Thank you. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जो है वो आए हैं यहाँ पर लोटस टेम्पल, और आप यहाँ पर देखिए भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है भाई साहब। और यहाँ पर आने में भाई धूप बहुत है, तो बहुत टाइम लग गया मुझे यहाँ तक आने में, और रुकते देखिए मैं यहाँ तक आया हूँ। उसके बाद बस आप देखिए, आप लाइन देखिए कितनी लंबी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप भीड़, देखो आप कितनी भयंकर है ना, ये पूरी भीड़ है ना, ये वहाँ से लाइन लग रही है भाई साहब। यार कुछ ज़्यादा लंबी भीड़ है यहाँ पर, यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है भाई साहब कुछ ज़्यादा लंबी भीड़ है यार। मतलब आजकल हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, वहाँ पर यार तो गैदरिंग पहले से ज़्यादा होती थी। लाइन तो वैसे बहुत लंबी है यहाँ पर, हमको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन है वैसे, अभी टाइम लगेगा हमको। फाइनली उसको उतार देते हैं तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर, और ऊपर जाते हैं पहले लोटस टेम्पल। देखिए अभी देखिए ये है फॉरेनर्स है ना, चलिए बाद में मिलते हैं उनसे। हमारी इंग्लिश ज़्यादा ही अच्छी, इसलिए वो देखिए आप, वो है लोटस टेम्पल। मैं जूम करके यहीं से भी आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर तो चल रहा है फोटो सेशन, यहाँ से थोड़ा निकलते हैं अंदर। यहाँ पर आपको फॉरेनर मतलब या जो विदेशी पर्यटक हैं वो कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं हमको। ये भी देखो हमको, यार कितने गोरे होते यार ये लोग, खाते क्या हैं। हाँ ठीक है, अब हम बस जस्ट पहुँच गए हैं सामने, और बिल्कुल सामने हमको दिख रहा है हमारा लोटस टेम्पल, बस जहाँ हमको आना था। हालांकि अब आज तक पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर, अगर आप दिल्ली में आके आपने ये नहीं देखा तो भाई साहब मतलब, हालांकि दिल्ली में बहुत सारे प्लेसेस जो हैं वो देखने लायक हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब बिल्कुल ओपन और बिल्कुल खूबसूरती देखिए आप। मतलब यहाँ से मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर विदेशी पर्यटक आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। फोटोज़ वगैरह दूर से ही खींचेंगे क्योंकि वो इतना बड़ा है ना ये लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल इसको क्यों कहते हैं पता ही आपको, क्योंकि ये लोटस के जैसे आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है लोटस टेम्पल। और सबसे पहले जब बहुत पहले आज से शायद 15-16 साल पहले मेरे घर में एक किताब रखी हुई थी, उसमें मैंने बिल्कुल सेम क्या मतलब यही फ़ोटो देखी थी। तो मतलब देखते थे दूर से यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो अभी यहाँ पर जब आए हैं सामने से देखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर पूरा जो आपको दिखेगा ये पूरा है ओपन एरिया। तो यहाँ पर अरे भाई साहब भेरू यहाँ पर भी मिल गए हमको। हाँ भेरू की संख्या तादाद काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पर हमको मिल रहा है पीछे झूला, ठीक है देसी झूला हमको मिल रहा है, काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला है देसी झूला यहाँ पर हमको, और उसमें रखना है हमको जूते चप्पल। तो भाई ये है झूला, लो चप्पल जूते अपने डालो सब कुछ जो भी आप लिए हुए हैं, उसके बाद झूला यहाँ पर रख दो। तो भाई हम भी एक झूला ले लेते हैं, ये है अपना देसी झूला। अच्छा जी चप्पी भाई, ये आगे अपनी संपत्ति जो हमने हाथ में ले ली है और आगे लेके हमको जानी है। अच्छा जूते चप्पल वाले यहाँ आए, पहले जूते चप्पल जमा करें। झूला नहीं यार, अब यार मतलब मैंने ये झूले की शुरुआत किसने की, मतलब ये झूले ही मिला था मतलब रखने के लिए, कोई और नहीं मिला क्या यार। ये तो यार बिल्कुल देसी लोग आ रहा है, मुझे लग रहा है जैसे सब्जी मंडी जा रहा हूँ, सब्जी वब्जी झूला वूला लेके। तो भाई चलिए हम पहले जमा कर देते हैं झूला। लो भाई ये लो झूला, अच्छा झूला दो। अच्छा लो भाई 14, ओके चलिए भाई। तो भाई हमको तो मिला है 14 नंबर। देखिए ये है व्यू, और ये दिख रहा होगा आपको लोटस टेम्पल। तो कंटिन्यू यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और आपके लिए बढ़िया सी कालीन एक बिछी हुई है, तो आप इस पर आते हुए इसीलिए शायद गंदगी ना हो, तो इसलिए शायद जूते वगैरह जो चप्पल हैं वो जमा करवा लिए जाते हैं। हालांकि बैग झूला मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, और आई थिंक आपको भी काफ़ी अट्रैक्टिव झूला लगा होगा। वो झूले के ऊपर हमें हंसी आ रही, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। और अरे वाह क्या बात है,
ओहो, ये है लोटस टेंपल और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर भरा हुआ है पानी। हालांकि चलता भी होगा लेकिन अभी तो हालांकि ये नहीं चल रहा है। तो ये वाला पूरा एरिया सर लाइटिंग नाइट में भी यहाँ पर सो देखिए आप लाइट वो दिख रही है आपको ये वाली, तो नाइट में ये बढ़िया आपका देखिए इसलिए यहाँ पर थक गए पूरे हम तो। और वो देखिए भीड़, ठीक है भीड़ देखिए आप कितनी मात्रा में, मतलब गैदरिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मतलब शायद ही अभी तक जितने पर्यटक स्थल में हम अभी तक गए हैं जालौन, मतलब यहाँ दिल्ली में उन जगह में सबसे ज़्यादा भीड़ अभी आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। तो अभी हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। तो आप भीड़ कंटिन्यू देखते रहिए, आप पूरा एंगल मैंने आपको दिखा दिया और नीचे जाके भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो फोटोज़ वगैरह बराबर खींच रही हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। भीड़ भाड़ देखिए आप पहले, मतलब यहाँ पर लोग आके सबसे पहले सेल्फी फ़ोटोज़ चल रही हैं और हम हैं यहाँ पर कि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, मतलब अपने लिए भी बना रहे हैं कि अब दोबारा से हम यहाँ ना आए तो एक बार उस। अच्छा एक मिनट, अच्छा यहाँ पर लाइन में आना पड़ेगा। अरे यार यहाँ पर लाइन बहुत लगती है यार। अच्छा यहाँ पर मतलब चारों तरफ यार लाइन देख लो आप, है ना, कंटिन्यू यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही है जब तक हम यहाँ वो देख लें क्या सर। ये फ्रंट वाले एरिया है जो अभी यहाँ पर लोग जा रहे हैं भीड़ भाड़, अब जहाँ कहाँ रहे हैं और अंदर क्या है वो हमको नहीं पता है। मंदिर है क्या है ये हमको अभी नहीं पता है। भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, बस भीड़ देखो आप, बस कंटिन्यू यहाँ पर लोग आ ही रहे हैं और जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ जो है वो तादाद बढ़ती जाएगी। आप तो कहाँ से विदेशी देसी अंग्रेजी ब्रिटेनी सब पर्यटक यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये भीड़ भाड़ आपको कंटिन्यू आती हुई दिखाई दे रही है। चलो शाही में दुआ के लाइन बढ़िया भाई। यहाँ पर तो यार सीटें वीटें डली हुई है यार अंदर, कुछ जाना कहाँ है अंदर, बस बैठना है जाके। पर आपको बता दें कि अभी मैं अंदर खांसी आ गई तो बहुत तेज आंखें लाल भी हमारी हो गई है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं खांस पाया हूँ। क्यों नहीं खांस पाया हूँ क्योंकि वहाँ पर कीप साइलेंट का बोर्ड लगा हुआ था, हालांकि बिल्कुल वहाँ पर बोलना जो है वो बिल्कुल मना होता है इसलिए मैं अंदर बोल नहीं सकता था। बिल्कुल खांसी भी मैंने रोक के रखी थी, बाहर आकर सबसे पहले मैंने खांसा उसके बाद मैंने बिल्कुल शुरू की है। ये देखो कंटिन्यू भाई साहब बहुत भीड़, मतलब मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं मतलब इस मंदिर को देखने, टोटल टेम्पल को देखने। और ये देखो आप भीड़ को ऊपर चढ़ करता हुआ देखो, मतलब वहाँ पर अगर मैं जूम करके भी आपको दिखाऊं तब भी आप ज़रा एक बार देखो, आप देखो आप लगातार कंटिन्यू मतलब हज़ारों की तादाद में पर्यटक यहाँ पर आते हैं अभी। मतलब इतनी जगह हम गए हैं लेकिन उतनी जगह में हमें कभी भी वैसी इतनी भीड़ नहीं मिली जितनी कि अभी ईजिली यहाँ पर मिल गई। मतलब ईजिली क्या, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए आ रही है, क्यों ना आए क्योंकि यहाँ पर ये बने इतना खूबसूरत है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूर से भी इसके आएगा क्योंकि पास से हम कितने भी एंगल से इसको लें लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट एंगल से फोटो में आपको वाइड एंगल से ये देखो। मैंने कोशिश की वाइड एंगल से आपको यहाँ पर पूरा दिखाऊं। तो ये है हमारा लोटस टेम्पल, क्योंकि लोटस की तरह बना हुआ है इसलिए इसको कहा जाता है लोटस टेम्पल। मैंने मतलब और भी इधर पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे और वाइड एंगल में आपको ले सकूँ, तो अब वही मारे ठीक है। हाथ से ही मैंने आपको पूरे सारे एंगल जो हैं जो छोटे मतलब एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखो मैंने वाइड से वाइड ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ और यहाँ पर भीड़ देखिए बस आप कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो मंदिर है वो रिप्रेजेंट करता है भाई समाज को, ठीक है। भाई जो लोग होते हैं वो सभी धर्म को मानने वाले होते हैं, सभी धर्म का मतलब होता है वो सभी धर्मों को मानते हैं और उनको मानने वाले होते हैं। कि अभी अभी इसके जब आप जाओगे तो अंदर कुछ नहीं, कुर्सी वगैरह डली हुई है पर इनका वो प्रेयर हॉल है। प्रेयर हॉल का मतलब है वहाँ पर ये लोग जो है ना वो मतलब अपनी सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। ऐसे स्काउट में होती है स्काउट आई, क्योंकि मुझे स्काउट इसलिए याद आया क्योंकि मैं खुद एक स्काउट हूँ। तो यहाँ पर अंदर जो है वो आपको टेबल्स वगैरह आपको सेट यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ये वाले ना, यहाँ पर होती है प्रेयर। तो यहाँ पर सारे प्रेयर हॉल हैं, तो आप एक यहाँ पर जब भी आप कभी आएँ तो यहाँ पर आप कितनी भी मतलब ये जो अंदर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, ये कांच के अंदर यहाँ पर वीडियो कैमरा अलाउ है नहीं तो इसलिए मैं अंदर आपको नहीं दिखा सकता, बस मैं बाहर से ही आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि अंदर यहाँ पर जब आप जाएँगे ना तो यहाँ पर आप कितने भी समय तक बैठे रहो लेकिन कीप साइलेंट, आप यहाँ बोल नहीं सकते यानी कि उन्हें मना होता है बोलने के लिए। बिल्कुल शांति से आप, क्योंकि ये उनका मतलब प्रार्थना जो है वो वहाँ पर करते हैं इसलिए आप कीपली बिल्कुल साइलेंटली आप अंदर 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 जाके वहाँ पर बैठ सकते हैं। कई समय मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे गेट पर तो ये आपको चेयर्स वगैरह दिखाई दे रही हैं लेकिन आप अंदर बोल नहीं सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है दोनों तरफ, शायद फव्वारे वगैरह भी चलते हो लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो अभी नहीं चल रहे, हो सकता है नाइट शो यहाँ पर चलता हो। जगह एक खास बात यह है कि फॉरेनर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। अभी हम जितने प्लेसेस में गए हैं ना उन सारे प्लेसेस में ये जो प्लेस है ना
इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ हमको देखने को मिली और कंटिन्यू लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शाम यहाँ पर होती जा रही वैसे वैसे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। चलो आप लोग आगे बढ़िए, जूता पता हो गया। तो अभी हम जो थे ना कुछ विदेशी लोग थे उनके संग फोटो खिंचवाई, उनसे अच्छा लगा। वो काफ़ी अच्छे मतलब लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ बढ़िया से करते हैं, ये अच्छी बात है। मतलब बहुत इजीली उन्होंने कहा, हमने कहा सर अपन फोटो इंग्लिश बहुत अच्छी तो आप जानते लगे, फिर भी हमने कहा तो इसलिए उन्होंने वैसा ही फोटो खींची, इसके लिए बहुत बहुत इजली थैंक यू। तो भाई आपको बता दें फाइनली कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, क्योंकि मैंने इतनी गैदरिंग इतनी भीड़ जो है वो कहीं नहीं देखी इस पूरे में। पूरा जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पीछे वाले एरिया, जो पूरा ग्रीन एरिया है पूरे यहाँ पर फील्ड वगैरह यहाँ पर आप घूम सकते हैं, लेकिन जिन इलाकों में आपको परमिशन है उसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर गंदा ना हो। हालांकि पहले तो जैसे आप अंदर आओगे एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपकी जो भी बैग है वो चेक किया जाएगा, और वहाँ पर चेक करने के लिए यानी कि जब चेक किया जाएगा तो आप इसलिए चेक किया जाएगा क्योंकि आप बिस्कुट के पैकेट या नमकीन जो भी खाने वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल अंदर नहीं आती हैं। इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि यहाँ पर मतलब गंदगी फैलेगी। तो आप देख सकते हैं कितना साफ प्रेशर यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो भाई साहब मतलब जो हमने देखा था रियल में वो फील किया, और अंदर जाके बिल्कुल शांति। अगर आप मतलब आपको कुछ सोचना है कुछ भी करना है तो इससे ज़्यादा शांति शायद ही कहीं मिलेगी। अगर वहाँ पर सिक्का भी गिरता है ना उसकी भी आवाज़ आती है, तो वहाँ पर जब वो वर्शिप करते थे ना अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। मुझे खांसी आ रही थी, मैंने खांसा भी नहीं, बाहर आके खांसा, आँखें लाल हो गई थी हमारी। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ वहाँ पर तब से कंटिन्यू यहाँ पर भीड़ आ रही है जा रही है, और इसी तादाद में आ रही है। जैसे जैसे हम शाम हो रही है ना तो ये पूरा जो इलाका है ये आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा भर चुका है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ये पूरा खचा खचा आप देख सकते हैं कि पूरा भरा हुआ है, और कंटिन्यू मतलब दिल्ली से तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन वैसे आपको बता दें कि ये है क्या, ये असल में एक वर्शिप स्थान है। यहाँ पर जो भाई समाज के जो लोग होते हैं है ना, अब ये समाज शायद भाई समाज से ही होते हैं, यानी कि जो वो लोग होते हैं जो सभी धर्म को फॉलो करते हैं, यानी कि ये जो भाई जो लोग होते हैं भाई जो लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि सारे धर्मों को मानना चाहिए। तो ये सभी धर्म को आगे अंदर जाके जो आपको इसके अंदर भी आप जब देखेंगे लोटस टेम्पल के अंदर, तो यहाँ पर प्रार्थना होती है, सभी सर्वधर्म प्रार्थना होती है, जैसे कि स्काउट में होती है तो सभी धर्मों की प्रार्थना यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर भाई समाज के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कि जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे लोग बढ़ते जाएंगे यहाँ पर धीरे धीरे भीड़। तो भाई हम चलते हैं, अरे गैस हम लोग यहाँ पर तो पूरा हो चुका है हमारा कंप्लीट, और अब जाते हैं नीचे। वही हो गया, फिर से संपत्ति अपनी ले ली हमने और चलते हैं। ये सही स्टाइल है ना, देसी स्टाइल टांगने का देसी स्टाइल, इसमें है क्या संपत्ति अरबों की। तो फाइनल गए इस बाहर, तो हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पर, और पीछे तो बहुत सारे लोग अभी भी हैं। अब लगभग 6 बजे बंद हो जाता है, तो लगभग हमारा 6 ही बज गया है, काफ़ी समय से आए थे तो यहाँ पर बहुत टाइम हो गया हमको यहाँ पर आए हुए, तो अब हम लोग बस निकलते हैं। ये देखो वो है लोटस टेम्पल, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा एरिया आपको कहेंगे, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं मज़ेदार ललंगताप, ठीक है, शांति के लिए आप लोग बिल्कुल आइए यहाँ पर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर को, निकल रहे हैं, और लोटस टेम्पल तो हमने पूरा देख लिया, यहाँ से भी थोड़ा सा व्यू आप लोग देख लो है ना, और बस अब निकलते हैं यहाँ पर। लोग अभी भी अब तो खैर नहीं आएंगे क्योंकि 6 बज गया है, तो एंट्री हमारी बंद हो चुकी है। तो फाइनली गाइस बन चुका है शाम का 6 और एंट्री हमारी हो चुकी है बंद, और बस अब हम निकलते हैं बाहर, और कोशिश की है कि पूरा अच्छे से मैंने व्यू आपको दिखा दूँ। लेकिन पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ पर इतनी गैदरिंग इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी, और खासकर वो जो सद रशियन थे कौन थे हमको नहीं पता, लेकिन उन लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। एक्साइटमेंट थोड़ा हो रहा है कि पहली बार किसी विदेशी के साथ कई फोटोज़ वगैरह लिए, तो काफ़ी अच्छा मुझे ऐसे ही फील हो रहा है आपको। तो भाई वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको, वैसे तो मैं अपने हिसाब से ही आपको ब्लॉग दूंगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा ब्लॉग चाहिए तो मैं आपको वो भी ब्लॉग दे सकता हूँ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अच्छे से रहें।